हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल नेचर कोलोग्राफी। आज का ये वीडियो लद्दाख प्रेमियों के लिए है। आज हम आपको लद्दाख की उन लोकेशंस के बारे में बताएंगे जो धरती पे स्वर्ग का अनुभव कराएंगी। हमारी लिस्ट में टोटल 5 लोकेशंस हैं जो आपकी लद्दाख यात्रा को यादगार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगी। तो बिना देरी किए सीधा चलते हैं हमारी लिस्ट की तरफ। फर्स्ट, पेंगोंग लेक। ये लेक वर्ल्ड की हाइएस्ट सॉल्ट वाटर लेक है, जो लगभग 4,350 मीटर की ऊंचाई पे ईस्टर्न लद्दाख और वेस्ट तिब्बत के बीच स्थित है। ये लेक 134 किलोमीटर लंबी है और बहुत ही सुंदर है। लद्दाख की ये लेक इंडिया और चाइना के बॉर्डर के बहुत ही करीब है, जिससे ये लोकेशन हम देश प्रेमियों के लिए कुछ खास है। पेंगोंग लेक जाने के लिए आपको लेह से रोड का सहारा लेना होगा, जो कि लगभग 5 घंटे का है। ज़्यादातर लोग मोटरसाइकिल से जाना पसंद करते हैं, जो कि आप लेह से बुक कर सकते हैं। यहाँ का टेम्परेचर समर सीजन्स में 8-21 डिग्री तक होता है और विंटर्स में यही टेम्परेचर गिर के -5 से -10 डिग्री तक हो जाता है। यहाँ पे आप समर सीजन में भी जा सकते हैं, क्योंकि उसके बाद में जगह पूरी तरह बर्फ़ से ढक जाती है और यहाँ पहुँचना नामुमकिन होता है। मई टू सेप्टेम्बर सबसे बेस्ट टाइम है इस अमेजिंग लेक को विजिट करने का। सेकेंड, चादर ट्रैक। इस ट्रैक को ज़ेंस्कर गॉर्ज भी कहा जाता है। ये ट्रैक जमी हुई ज़ेंस्कर रिवर पे है, जो कि लेह में स्थित है। ज़ेंस्कर रिवर मझ सर्दियों में ऊपर से पूरी तरह जम जाती है। जमी हुई रिवर पे चल पाना आसान नहीं होता, इसीलिए ये ट्रैक फर्स्ट टाइमर्स के लिए थोड़ा हार्ड है। 62 किलोमीटर लेंथ का ये पूरा ट्रैक फ्रोजन रिवर पे ही है, जो कि 3,390 मीटर की ऊंचाई पे लेह में स्थित है। अगर आप दिन में 16 से 18 किलोमीटर चलें तो ये ट्रैक 9 से 10 दिन में पूरा हो जाएगा। यहाँ का टेम्परेचर दिन में 15 से 20 डिग्री तक होता है और रात में गिर के -25 से -35 डिग्री तक हो जाता है। यहाँ जाने का बेस्ट टाइम जनवरी से एंड फेब तक है, क्योंकि इस टाइम रिवर पूरी तरह जमी हुई मिलती है। यहाँ आपको बर्फ़ में ढके पहाड़ और एक खूबसूरत जंगल भी देखने को मिलेगा। रात का व्यू यहाँ की खूबसूरती को 4 चांद लगाता है। तो अगर आप फुल एडवेंचरस हो तो ये ट्रैक आपको ना भूल पाने वाली यादें जरूर देगा। थर्ड, ज़ेंस्कर वैली ट्रैक। ये ट्रैक ज़ेंस्कर माउंटेन के साउथ वेस्ट में पड़ता है और ये वैली ज़ेंस्कर को लद्दाख से अलग करती है। ज़ेंस्कर वैली कारगिल डिस्ट्रिक्ट में 7,756 मीटर की ऊंचाई पे स्थित है। ये ट्रैक ज़ेंस्कर के पदूम से चल के हिमाचल में स्थित लाहौल के दरचा तक पहुँचता है। ये ट्रैक नॉर्मल ट्रैक से काफ़ी ज़्यादा लंबा है, जिसकी कुल लेंथ 105 किलोमीटर है। नॉर्मली अगर एक दिन में 10 से 15 किलोमीटर चला जाए तो ये ट्रैक 7 से 10 दिन में पूरा होगा। यहाँ का टेम्परेचर दिन में 20 से 30 डिग्री होता है और रात में गिर के 10 डिग्री के अंदर आ जाता है। यहाँ पे जाने का बेस्ट टाइम मिड मई से मिड अक्टूबर है। यहाँ की सुंदरता यहाँ के पथरीले पहाड़ और दूर बर्फ में ढका हुआ हिमालय है। ये वैली आपको पुरानी मूवीज में दिखाए गए कश्मीर की याद जरूर दिलाएगी। तो अगर आप ट्रैकिंग के शौकीन हैं और बर्फीले पहाड़ कई बार देख चुके हैं तो ये ट्रैक आपको एक अलग एडवेंचर की ओर ले जाएगा। फोर्थ, थिक्से मोनेस्ट्री। थिक्से मोनेस्ट्री, जो थिक्से गोम्पा के नाम से भी जानी जाती है, ये मोनेस्ट्री तिब्बतियन बुद्धिज्म के गेलुग समुदाय से संबंधित है। ये मोनेस्ट्री 15th सेंचुरी की बहुत ही पुरानी मोनेस्ट्री है, जो कि 3,600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये मोनेस्ट्री लद्दाख के लेह से 19 किलोमीटर ईस्ट की साइड एक हिल टॉप पे पड़ती है। यहाँ आप लेह से बाय रोड आ सकते हैं और लोग यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाने में सहूलियत समझते हैं। यहाँ का टेम्परेचर नॉर्मल ही होता है, बट गर्मियों में 40 डिग्री तक चला जाता है और सर्दियों में यही टेम्परेचर गिर के 5 से -15 डिग्री तक हो जाता है। यहाँ पर जाने का सबसे बेस्ट टाइम मई से नवंबर के बीच है। यहाँ पे आपको पथरीले पहाड़, खुले मैदान और बहुत ही सुंदर टेंपल देखने को मिलेगा। अगर आप हिस्ट्री के लवर हैं तो ये लोकेशन आप अपनी लद्दाख ट्रिप में ऐड कर सकते हैं, आपको बिल्कुल निराशा नहीं होगी। 5th नंबर पर आता है नुब्रा वैली ट्रैक। ये वैली लद्दाख में नुब्रा नाम की तहसील में पड़ती है। ये वैली बहुत ही सुंदर मानी जाती है, क्योंकि यहाँ आपको बहुत ही सुंदर नुब्रा नदी देखने को मिलेगी, जो कि हिमालय माउंटेन्स में से आ रही है। ये जगह 150 किलोमीटर लेह से नॉर्थ में 3,048 मीटर की ऊंचाई पे पड़ती है। यहाँ पे जाने के लिए आपको लेह पहुँचना होगा
जिसके लिए आप एयर, रोड या रेल कोई भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज कर सकते हैं। नुब्रा वैली ट्रैक अप्रॉक्स 85 किलोमीटर लंबा है और अगर आप एक दिन में लगभग 15 किलोमीटर चलें तो आप इस ट्रैक को 6 दिन में खत्म कर सकते हैं। ये ट्रैक प्यांग से हंदर तक जाता है जिसमें आपको फेमस गोम्पास और डिस्किट विलेज भी देखने को मिलेगा। यहाँ का टेम्परेचर समर में -5 से 15 डिग्री तक होता है और विंटर्स में गिर के -17 डिग्री तक पहुँच जाता है। यहाँ जाने का बेस्ट टाइम जून से सितंबर का होता है। ये जगह एडवेंचर लवर्स के लिए बेस्ट चॉइस है। आई होप आपको ये सारी जानकारी से कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिलेगी। अगर आप किसी भी लोकेशन की कंप्लीट डिटेल वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। हम जल्द से जल्द आपके लिए वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करके प्लान बनाना स्टार्ट कीजिए। तो फिर मिलते हैं दोस्तों, हैप्पी जर्नी।